देखो ये देखो ये देखो दिख रहा है ये देखो उखाड़ गया देखो आपको एक ही नहीं ये देखो। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जी हाँ दोस्तों, देखो आज मैं फिर से एक नया मशीन के साथ हाजिर रहा हूँ आपके सामने। ये है बीटाली का मशीन, हाई प्रेशर कार वॉशर, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल है। देखो BT1100HPW कार वॉशर मशीन है ये। और आपको पता है जो हर जो लाल कलर का मशीन है वो आपको बीटाली का नहीं होता, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर पावर लिखा है इसमें 2200 वाट का, ये जो है ना मोटर है, और नॉर्मल इसमें 220 बार का इसमें प्रेशर है। तो मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलो फटाफट अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग इस अनबॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, मुझे पता है। बोलोगे क्या डेली डेली सेम सेम कॉन्सेप्ट से वीडियो बनाते हैं और क्या सेम बॉक्स खोल के दिखाते हो, लेकिन एक्चुअली बॉक्स खोलने का रीज़न ही मेरा यही है ताकि आपको समझ में आ जाए कि बॉक्स के अंदर से क्या क्या निकलता है। नहीं तो क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कुछ मशीन के साथ हमने अचानक से फोम करने से फोमिंग करते, फिर आप बता रहे मशीन के साथ साथ आता होगा, लेकिन नहीं, आपको अलग से खरीदना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्लियरली देखना चाहिए कि मशीन के साथ आपको क्या आता है, क्योंकि अलग अलग मशीन में अलग अलग चीज़ें आता है। दोस्तों ये देखो सबसे ऊपर बॉक्स के ऊपर ये है मैनुअल बुक, है ना, और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो हर कंपनी वाले आपको नहीं देंगे, ये है देखो ये वारंटी कार्ड, और इसमें क्लियरली लिखा है 6 महीने का वारंटी, देखो 6 मंथ वारंटी, आपको इस बात का ध्यान रखना है देखो क्लियरली। और इसमें देखो मशीन का सीरियल नंबर हर चीज़ में दिया हुआ है, तो ये आपको ये मेन चीज़ है जो नॉर्मली हर कंपनी वाले नहीं देते। भाई साहब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कम से कम, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ अनबॉक्सिंग आपको देखना चाहिए। देखो वारंटी कार्ड है, इसमें 6 महीने का वारंटी दिया हुआ है, वेरी गुड, ओके। और अगर एक गन की बात करेंगे भाई साहब, ये देखो ज़्यादातर मशीनों में क्या होता है, चाइनीज़ मशीनों में ये जो ब्रश आपको दिख रहा है ये कलर रहता है खाली ब्रश का, एक्चुअली वो ब्रश जो ओरिजिनल नहीं रहता, ये ओरिजिनल ब्रश का, ये देखो ये यहाँ पर थ्रेड ओरिजिनल ब्रश है और ये भी ओरिजिनल ब्रश है, बाकी में क्या होता है एलुमिनियम रहता है, कलर बस खाली ब्रश का रहता है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल ब्रश का इसमें दिया हुआ है, तो क्वालिटी अच्छा है इसमें। ये देखो ये अंदर का भी देखो, ये भी ब्रश का ही आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी का है। और ये देखो तो ये है इनलेट फिल्टर, ये भी एक्चुअली हैवी है, देखो ये थोड़ा वजन है, क्यों पता है, नॉर्मली बाकी जो चाइनीज़ वाला है उसमें क्या होता है पानी के अंदर डालोगे बाल्टी के अंदर तो वो ऊपर आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा वेट दिया हुआ ताकि ये अंदर ही रहे हो। और ये है इनलेट कनेक्टर, ये है गन के अंदर अगर कचरा आ जाए उसको क्लीन करने के लिए पिन है, ठीक है। और ये है ट्रॉली का व्हील, ये देखो ये इनलेट फिल्टर है, और ये है नॉर्मली होज पाइप का कनेक्टर है, वो आपको दिखाता हूँ कैसा उसको यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल ये है सोप डिस्पेंसर है, ये कुछ काम का नहीं है, ये तो बेकार चीज़ है। और जो एक्सटेंशन रॉड दिया है, हाँ ये भी ब्रास का दिया है, देखो वाओ ये अच्छा है नॉर्मली, क्योंकि बाकी जो मशीन कंपनी में बोला ना कि देखो ये जो है ना ब्रास का रहता है ना, ये ब्रास का, ये एलुमिनियम का रहता है, और ये भी सेम है, एक्सटेंशन रॉड तो देते हैं पर ये जो है ना ये कलर रहता है बस ब्रास का, पर ये भी ओरिजिनल ब्रास का, ये एलुमिनियम का नहीं है वो, ये कनेक्टर है, क्विक कनेक्टर, सही है, परफेक्ट। दोस्तों ये देखो ये जो बीटाली का जो मशीन के साथ होज पाइप दिया है ये बिल्कुल एकदम ब्रांडेड है, और ये हैवी ड्यूटी होज पाइप है, और ये हाइड्रोलिक होज पाइप है वो, और ये 13 mm का है वो, मस्त एकदम अच्छा मोटा है, देखो 13 mm का है ये। ये है इनलेट पाइप, नॉर्मल आता है इनलेट पाइप, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी है नॉर्मली बाकी मशीनों से, ये डेढ़ मीटर का कुछ है लगता है ये इनलेट पाइप। आप चाहे तो अपने हिसाब से लंबा गार्डन पाइप जितना चाहिए उतना लंबा आप अपने हिसाब से खरीद के उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने लंबा गार्डन पाइप लिया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर आपको फ्लोइंग वाटर होना चाहिए जो ऊपर से टंकी से आता है ना, ऐसा आपने अगर बाल्टी से ले रहे तो आपको छोटा वाला पाइप ही यूज़ करना चाहिए। और ये देखो ये है मशीन के साथ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाओ इधर, 1, 2, 3, 4 देखो, 4 अलग अलग पैटर्न का इसमें नोजल दिया हुआ है मशीन, ओके। बॉक्स के अंदर और क्या है, और कुछ नहीं, चलो अब हम इस बॉक्स को साइड करेंगे। ये देखो फाइनल, ये है मशीन, ये देखो, और इसके अंदर कुछ क्या दिया, ये अच्छा ये नॉर्मल, ये देखो मशीन, इसका जो पावर कॉर्ड है देखो ये भी काफ़ी लंबा है, और मैं आपको आज जबरदस्त धुआंधार प्रेशर इसमें से दिखाने वाला हूँ, परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ, ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। आपको दिख रहा है कार बहुत ज़्यादा गंदा है, तो हम इसको भी वॉश करेंगे, क्योंकि जानबूझ के मैंने गंदा वाला कार लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि देखने ये वाला मशीन से कितना फास्ट ऐसा काम होता है। और देखो पावर कॉर्ड कितना लंबा है यार, वाह ये तो अच्छा है, 5 मीटर होगा लगता है, 1, 2, 3, 4 हाँ 5 मीटर के आसपास कुछ है ये पावर कॉर्ड, तो काफ़ी लंबा दिया है, नॉर्मली ज़्यादातर मशीनों में इस तरह का लंबा पावर कॉर्ड देता नहीं है, फिर आपको अलग से एक्सटेंशन बोर्ड खरीदना पड़ता है, तो अच्छा है ये। और बाकी ये देखो इसमें लिखा है, ये देखो 1 मिनट के अंदर 15 लीटर पानी ये कंज्यूम करता है ना, बाकी कुल मिला के प्रेशर बहुत अच्छा होगा आउटपुट, मतलब कुल मिला के देखो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, 1 मिनट के अंदर जितना ज़्यादा लीटर पानी कंज्यूम करेगा आपका कार उतना ज़्यादा फास्ट मतलब होता है वॉशिंग होता है वो। बाकी मैं आपको फाइनल एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखो मशीन का जो भी लुक वाइज आप देख लो, ये देखो यहाँ पर लिखा है 100% कॉपर वायर है, चलो ये एक अच्छा गुड न्यूज़ है कि भाई ये जो मशीन है ये 100% कॉपर वायर है। बाकी ये देखो मॉडल नंबर इसमें लिखा है BT1100HPW
है ना। बाकी देखो ये 15 लीटर मिनट में कंज्यूम करता है वो, है ना। बाकी ये 2200 वाट का है, 220 बार। वाओ। और देखो ये देखो आपको पीछे ब्रांडेड इसमें लिखा है, देखो ये इसको बोलते ब्रांड है। देखो ये देखो बीटाली लिखा है और यहाँ पर देखो ये मॉडल नंबर मोटर में लिखा है, देखो बिल्कुल सील के साथ एकदम। और ऊपर अंदर ये पावर ऑन ऑफ स्विच है। देखो ये आपको ये जो अंदर का कंट्रोल यूनिट देखा क्या, कितना हैवी है, मस्त एकदम। अभी तो इतना तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी चलाने के बाद ही मालूम होगा इसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसा है, कितना परफॉर्मेंस कैसा है, वो हम अभी देखेंगे। देखो दोस्तों इस मशीन का और एक खासियत दिया है, देखो ये तो आउटपुट का आपको दिख रहा है, देखो ये क्विक कनेक्टर टाइप है ना। इसके बारे में जबरदस्त एक चीज़ है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इसमें थ्रेड सिस्टम करने की जरूरत नहीं, बस सीधा कनेक्टर इजिली होस पाइप कनेक्ट करो और इजिली बाद में काम करना चालू। और ये आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये देखो ये है कम ज़्यादा करने का, प्रेशर आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक अच्छा चीज़ दिया इस मशीन में, मस्त एकदम, कि इससे आपका प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आपको एसी क्लीन करना है और आपको फिर बहुत ज़्यादा मशीन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इससे इतना प्रेशर आपको नहीं चाहिए, तो आप इसमें आराम से बाद इसको प्रेशर कंट्रोल करो, प्रेशर थोड़ा सा कम कर दो, बाद में आप इजीली वॉश कर सकते हो। बाकी इसमें देखो ये गेज दिया, प्रेशर गेज दिया है ना। बाकी ये देखो, चलो अब मैं आपको मशीन को असेंबल करके बताता हूँ। दोस्तों देखो मशीन तो आपने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ इसका व्हील के बारे में। ये देखो ये जो मशीन का जो व्हील है बिल्कुल इजीली इसमें कनेक्ट कर सकते हो और डिसकनेक्ट कर सकते हो, ये एक अच्छा चीज़ दिया है। देखो मशीन को आपको ऐसा कर देना है ना, और उसके बाद ऐसा रॉड लो, जो नट है अपना वो लो, और ये जो एक्स्ट्रा दिया ऐसा वाला बुश इसको डालो ऐसा, और फिर ये साइड से ऐसा डालो, और फिर सेम और एक ऐसा वाला लेना है, इसको ये साइड से ऐसे डालो, और फिर इसको ऐसा डाल के अब उसको सिंपली नट को ऐसा टाइट कर दो, बिल्कुल आसान है। देखो ये वाह, ये देखो एक्चुअली जो व्हील है ना इसके अंदर बेयरिंग फिट है, तो ये नॉर्मली चक्का का ये जो है ना खराब होने का चांस नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टाइम ये चलने वाला चीज़ है। एक्चुअली बीटाली का जो प्रोडक्ट है ना ये काफ़ी क्वालिटी वाइज तो रहता है, ये तो मैंने फील किया है, अच्छा क्वालिटी का रहता है। ये देखो ये भी ऐसे व्हील कनेक्ट कर लेंगे, ये देखो कितना आसान है, आपने देखा दोनों भी कनेक्ट हो गया। चलो अब हम ये साइड का कनेक्ट करेंगे, चलो हमने चारों व्हील भी अभी फिटिंग कर लिया है, अब इसको हम फिर से ऐसे खड़ा कर लेंगे। वाह ये देखो ये अभी व्हील पे चलने लगा ये ट्रॉली, ऐसा आप इजीली चाहे तो कनेक्ट कर सकते हो, डिसकनेक्ट कर सकते हो, इसका व्हील का ये खासियत है। बाकी बेयरिंग टाइप व्हील है तो काफ़ी मजबूत है, लॉन्ग टाइम चलने वाला ये चीज़ है। दोस्तों मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, ये जो ऑरेंज कलर का मशीन है या तो रेड कलर का मशीन है ना, तो लोग एक्चुअली कन्फ्यूज रहेंगे ये ऑरेंज है कि रेड है, इसलिए मैं आपको रेड ऑरेंज दोनों भी बोल रहा हूँ। तो हर जो ये जो ऑरेंज कलर का जो मशीन है, हर ऑरेंज कलर का मशीन जो ना ये बीटाली का नहीं होता है, आपको ये डुप्लीकेट जो मशीन है तो जो फेक मशीन है उससे आपको बच के रहना, आपको इस चीज़ को पहचानना जरूरी है कि भाई ये बीटाली का है भी कि नहीं, खाली ऐसे दिखने से आपको बीटाली का नहीं हो जाता है। और दूसरा बात ये कि ये जो मशीन है आपको पूरा पैन इंडिया में, इसका जो ब्रांच है ये अवेलेबल हो जाएगा आपको, इसका डीलरशिप आपको पूरा ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। चलो मैं आपको ईजिली बताता हूँ इसको अभी इसको होस पाइप कनेक्ट कैसा कर, आपको दिख रहा है होस पाइप का कनेक्टर, आपको इसके साथ इसको ऐसा कनेक्ट कर लेना है, ये देखो ये है ना, और इसको ऐसा अंदर साइड में ऐसा पुश करके इसको ऐसा डाल देना है, ये देखो ये कट करके आवाज़ आई है, प्रॉपर ऐसे लॉक हो गया, कितना आसान आपने देखा ना कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए। और बात में आपको कभी भी जब कभी निकलना है तो आपको इजीली ऐसा इसको ऐसा करना है, ये निकल गया, आपको बार बार इसको खोलने की जरूरत नहीं, एक बार आपने वन टाइम इसको सेटल करके रख दो, बस बार बार इसको कनेक्ट ऐसा डिसकनेक्ट ऐसा कर सकते इजीली। देखो ये देखो ये हो गया, ये देखो ये अब फिर से डिसकनेक्ट करना है, इसको पुश करो, हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसानी से हमने इसको कनेक्ट कर लिया, बाकी अभी गन साइड में भी सेम ऐसा करेंगे, ऐसा पहले पुश करके उसके बाद में ऐसा थ्रेड में ऐसा सीधा से आपको लगा लेना है, ये देखो ये कितना आसानी से लग गया। अभी देखो ये गन है छोटा, अगर आपको गन लंबा करना है, ये देखो ये एक्सटेंशन रॉड दिया आपको दिख रहा है, और एक्सटेंशन रॉड में जैसे कि आप क्विक कनेक्टर ऐसा ये दिया, देखो इसमें मतलब टू इन वन टाइप दिया है, दो एडजस्टमेंट सिस्टम, जैसे देखो आपने अगर ये गन आपने नोजल लगा लिया तो ऐसे में क्या हो जाएगा, नॉर्मली आपको यहाँ पर आगे कोई कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, सीधा इसको ऐसा कम ज़्यादा पॉइंटेड आप जैसा चाहिए आप ऐसा कर सकते हो। पर आपको अगर लगे नहीं आपको ये वाला लगाना है, ये देखो ये जो कनेक्टर है देखो ये आपको ऐसा वाला यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आगे का देखो ये निकल दो, मैं आपको दिखाऊंगा ना प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा, ये देखो ये रॉड लगा लो ये, वाओ ये अच्छा, ये पहला बार मैंने ऐसा कोई मशीन देखा जिसमें इस तरह का दोनों ऑप्शन भी ऐसा अवेलेबल है। देखो ये अभी आपको ये वाला नोजल नहीं चाहिए, सीधा आप इसको ऐसा लगा सकते हो, देखो ये वाओ ये कितना आसानी से लग गया। अगर आपको यहाँ पर फोम कैनन लगाना है तो आप सीधा ऐसा यहाँ पर आगे फोम कैनन भी लगा सकते हो, देखो कैसे कहाँ है मेरा फोम कैनन कहाँ है, ये देखो ये जैसे कि मेरा फोम कैनन है, सीधा आप उसको ऐसा पीछे खींचो, ये वाओ देखा ना कितना आसानी से कनेक्ट हो गया। तो अच्छा ये कंपनी वालों ने टू इन वन सिस्टम दिया है, रॉड के साथ आपको एक क्विक कनेक्टर भी दिया है, प्लस आपको ये भी सिस्टम भी दिया है, तो आपको जो वाला चाहिए वो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कंपनी वालों ने इनलेट पाइप दिया है, तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, सिंपल इसको निकालो और इसके अंदर से इसको ऐसा डालो और ये ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये हमने टाइट किया
और फिर बाद में इसको यहाँ पर लगा दिया। एक्चुअली इस कंपनी का जो ना मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ है ना बिल्कुल हाई क्वालिटी का दिया हर चीज़। देखो ये कट करके आवाज आई, ये देखो ये हो गया। अब जो दूसरा जो एंड साइड है आपको बाल्टी से अगर आपको यूज़ करना है, ये देखो ये इसको सीधा बाल्टी में डालो और मस्त बाद में यूज़ करो। पर मैं क्या करने वाला, देखो अपना घर के वहाँ से सीधा टंकी से हमने पाइप कनेक्ट करके लेके आए तो हम सीधा टंकी से यूज़ करने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एक्स्ट्रा भी फायदा उसको यूज़ नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ से खोलेंगे, देखो ये आपको मैं डिटेल हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखो जो कंपनी साथ में जो पाइप दिया आपको ये वाला, हम ये इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बदले हम ये जो है ना इसमें कनेक्ट करेंगे सेम ऐसे, इसको ऐसे डालना है और इसको ऐसा यहाँ पर फिट कर देना है। देखो ये आसानी से कनेक्ट हो गया है, इसको ऐसा टाइट कर लेंगे और सेम ऐसे इसको फिट कर लेंगे। ये हमारी मशीन फिट हो गया, देखो यहाँ पर ऐसा कनेक्ट हो गया। अब हम चलो फटाक से अभी इस मशीन का प्रेशर दिखाने वाला हूँ और आज मैं आपको इससे ना ईट कट करके दिखाने वाला हूँ, कंक्रीट सीमेंट का जो ईट होता है उसको कट करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा हाँ इसमें भी सेम ऐसे दमदार प्रेशर है। बाकी मैं आपको ये कार भी फुल वॉश करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये देखो इस नोजल का मैं आपको अभी खासियत बताता हूँ। देखो ये आपको दिख रहा है, देखो जैसे मैं इसको पॉइंटेड करके मार रहे ना आगे का घुमाओ ऐसा, देखो ये ऐसा स्प्रेड हो जाता है। देखो ये दिख रहा है आपको, अब अपनी जैसे उसको जैसे जैसा उसको एडजस्ट कर सकते, ये पॉइंटेड हो गया घुमाओ स्लोली 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 स्लोली, देखो ये ऐसा स्प्रेड हो जाएगा। देखो ये देखो जितना चाहे आप उसको अपने हिसाब से उसको स्प्रेड कर सकते हैं ना। लेकिन और एक इसमें ऑप्शन दिया कंपनी वाला ने, जैसे कि आपको अगर ये नोजल यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको साइड में रख दो और जो एक्सटेंशन रॉड है दो रॉड दे भाई, जो रॉड हमने इसको ऐसा लगा देना आगे, बहुत ही आसान है। आपको कोई पाना पेची जैसा कुछ नहीं चाहिए, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। देखो ये रॉड लग गया, अब आपको क्या करना है, ये जो जैसे कोई भी कलर ले लो ये ग्रीन वाला, ठीक है। ये देखो तो अलग अलग जो नोजल दिया उसमें अलग अलग तरह का उसमें प्रेशर है, इस वजह से उसमें चार नोजल दिया है। जैसे ग्रीन वाला क्या है ये देखिए, ये स्प्रेड आपको दिख रहा है, देखिए और आगे कैसे घुमा सकते हो जैसा कि आपको ऐसा अपने हिसाब से उसको ये कर सकते हो। देखो ये मस्त ऐसा प्रेशर मारेगा, वाओ है ना। और बाद में जैसे कि इसमें रेड कलर का दिया है, ये लो ये रेड, जैसे हम इसको रेड कलर का यूज़ करेंगे देखना इसमें से कैसा आएगा। ये देखो जैसे हम ये रेड वाला लगाया, देखो इसमें कैसा आ रहा है, खतरनाक पॉइंटेड आ रहा है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेड वाला लगा के कभी आपको ऐसे गलती से आपको सामने हाथ रख के प्रेशर ऑन नहीं करना है, आपका हाथ ना आर पार छेदा हो जाएगा, बता रहा हूँ इतना प्रेशर रहता है इसमें। ये देखो खतरनाक प्रेशर है ना। अगर आप बोल रहे हो ऐसा क्यों ऐसा कुछ भी फेंकू मार रहे, देखो आपको देखो देखो रोड पर सीमेंट चिपका हुआ देखा दिख रहा है आपको, ये सीमेंट पहले पता नहीं कब का कॉन्क्रीट क्या हुआ, देखना जैसे मारूंगा देखना एक्स्ट्रा सीमेंट है ऊपर का लेयर, देखना कैसे फट के बाहर आ जाएगा। देखो देखना ये देखो ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो उखाड़ गया, देखो आपको यकीन नहीं, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो कैसा खतरनाक प्रेशर है। ये देखो मतलब रोड पे चिपका हुआ है सीमेंट, समझ लो उसको प्रेशर मार के उखाड़ दे रहा है आपको, लाइव आपने देखा ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो इसलिए आपको ऐसे पॉइंटेड का आपको गलती से हाथ नहीं रखना है। तो आपको कभी भी कार में यूज़ करना है तो ग्रीन वाला जो पॉइंट है वो आपको यूज़ करना है, या तो आप वो जो ब्लैक कलर का नोजल जो हमने लगाए थे यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। चलो अब हम इसको व्हाइट वाला यूज़ करके देखेंगे कैसा है। अच्छा ये जो व्हाइट वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड में आ रहा है, देखो तो आपको कम ज़्यादा कैसा जितना ज़्यादा जैसा स्प्रेड चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब देखेंगे ये पीला वाला कैसा आ रहा है, ये देखो ये सबसे ये है, बोलते क्या बोलते उसको स्प्रेड सबसे कम है वो है ना। तो मेरे हिसाब से मीडियम रेंज में मतलब जो ग्रीन कलर का है ना वो ठीक रहता है। अगर आपको पॉइंटेड चाहिए तो आपको रेड वाला, बाकी आपको नॉर्मली स्प्रेड चाहिए तो आपको ग्रीन वाला, बाकी दोनों नोजल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, नॉर्मली कार वॉशिंग के लिए दो नोजल ठीक रहता है उतना चलता है। यस दोस्तों ये देखो ये है सीमेंट का ईट, आपको दिख रहा रोड के सामने कितना सारा ईट रखा है, देखो यहाँ पर बहुत सारा है ना, तो उसमें से एक लेकर के आया हूँ और ये यहाँ पर ला के रख दिया। अब हम इसको कट करके बताने वाले हैं, देखो आपको दिख रहा है इसका प्रेशर कैसा है, जैसे जैसे मारेंगे ना बिल्कुल आर पर छेदा हो जाएगा, आर पर ऐसा कटिंग हो के आएगा, देखना ना इतना प्रेशर रहता है इसमें। चलो शुरू करते हैं, अभी मेरे को डर लगता है कि मेरे आंखों के ऊपर से छिड़क के आता है, इतना खतरनाक प्रेशर रहता है। शिट ये तो गड़बड़ी से भाग जाता है ईट, इसको ना पकड़ के रखेंगे फिर बाद में प्रेशर मारेंगे, ये और स्लोली स्लोली मारेंगे नहीं तो मेरे ऊपर ही आएगा। मेरा आंखें बंद करके मारना पड़ा, ये देखो आपको दिख रहा है कितना डीपली कट हो गया, देखो ये सीमेंट का है फिर भी इतना कट हो गया है ना। ये आर पर आप थोड़ा 5 मिनट से मारते रहो तो पूरा आर पर कट हो जाएगा। तो देखो मेरे को सीमेंट का ईट तो पूरा ऐसे मुझे आर पर कट करके दिखाना नहीं है, आपको बस इतना दिखाना था कि इस मशीन में प्रेशर कितना, आपने देखा ना नॉर्मली सीमेंट ऐसे मारते हुए 5 मिनट पूरा आर पर कट हो जाएगा, देखो बिल्कुल एकदम
ये देखो कितना डीप कट हो गया, देखा ना ये, देखो ये छेदा हो गया हमारा, तो ऐसा है नॉर्मली, ये ऐसा आर पर मारोगे तो कट हो ही जाता है थोड़ा टाइम होल्ड करोगे तो, है ना। बाकी आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मशीन का जो कम ज़्यादा करने वाला प्रेशर मैं आपको बताया था ना, देखना अभी इसको मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। जैसे कि अभी समझो कि ये मैंने ले लिया, आपको कुछ भी एसी वगैरह क्लीन करना है, तो आपको कार के इंजन में प्रेशर मारना है, तो आपको कम प्रेशर चाहिए तो ऐसा करना है। देखो ये आपका फुल प्रेशर है ना, जैसे मैं आपको नॉब को घुमाऊंगा नीचे से, देखना कैसा प्रेशर डाउन होगा, ये प्रेशर डाउन होगा, ये डाउन और डाउन, ये देखो डाउन होते 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 एकदम ही डाउन हो गया, ये देखो ये एकदम डाउन हो गया, और अप डाउन करना है, ये देखो ये एकदम डाउन, टोटल डाउन हो गया है ना। बोलोगे कैसा कैसा आपको पता चलता है एकदम डाउन हो गया, आपको कैमरा वगैरह दिख नहीं रहा, मीटर वैसा पर मीटर पर फोकस हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम लो है ना, आपको दिख रहा है ये लो, देखना कैसा इसको जैसे मैं इसको टाइप करूँगा, देखो अभी मीटर का टाका देखो ऊपर आ रहा है, दिख रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, देखो ये जैसे जैसे इसको मैं टाइप कर जाऊँगा, ये देखो ये ये मीटर काटा, देखो यहाँ पर नीचे आ गया, फाइव पे आ गया था, बढ़ते बढ़ते देखो 20 के आसपास आ गया, जैसे मैं इसको फुल टाइट करूँगा 20 भी पार हो जाएगा, ये देखो वाओ, ये देखो 250 बार में ये सेट हो गया, देखो कितना ऊपर आ गया, जैसे देखा फुल प्रेशर है, देखो ये देखो बिल्कुल 250 का प्रेशर दिख रहा है, दिख रहा है ना क्लियरली, ये देखो 250 बार आ गया बिल्कुल एकदम, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है, पर मुझे कंपनी से लिखा है इसमें देखो 220 बार है ना, तो नॉर्मली 250 बार है पर मीटर में दिखा रहा है, पर कहीं ना कि वहाँ पर 220 के आसपास, 220-230 के आसपास होगा, वो तो दाग दाग दिया है, एक मेजरमेंट करके आपको आइडिया लगाना है कि कितना है, पर कहीं ना कहीं 230 से भी थोड़ा मतलब ऊपर ही दिखा रहा है मेरे हिसाब से, तो शायद नया मशीन है इस वजह से शायद वो ज़्यादा थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है। तो दोस्तों आपने तो देख लिया ना मशीन का प्रेशर कैसा है, पावरफुल प्रेशर, और मतलब रोड का जो सीमेंट है वो तो उखाड़ दिया है लोगों ने इस मशीन में, है ना इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो काम करेंगे फटाक से इस कार को भी हम अभी वॉश करने वाले, वैसे तो धूप है और धूप का आपको ऐसा वॉश नहीं करना चाहिए, पर हमारा मजबूरी है हमको करना पड़ेगा, तो काम करके कार को पहले थोड़ा अच्छे से फुल पानी मार लेते, कार का बॉडी थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो, है ना। तो पहले हल्का हल्का सा प्रेशर मारेंगे ताकि कार का बॉडी से ठंडा हो जाए, फिर बाद में अच्छे से प्रेशर मार के पूरा गंदा को निकालेंगे। शॉर्टकट में पहले थोड़ा सा कार का बॉडी को ठंडा होने दो, पहले पानी स्प्रे मार लेते इसमें, यस पूरा बहुत ज़्यादा गंदा है कार, आपको दिख रहा है, तो जैसे मैं नॉर्मल प्रेशर मार रहा हूँ पूरा गंदा पानी नीचे गिर रहा है, ये देखो जो ऊपर ऊपर जो हल्का हल्का सा पानी मार रहा हूँ बस खाली कार का बॉडी को ठंडा करने के लिए, ताकि जब हम इसको फोम स्प्रे करेंगे तो फोम तुरंत तुरंत सूख ना जाए। चलो अब हम उसको प्रेशर मारेंगे, ये देखो पूरा कचरा बाहर निकलेगा, यस ये देखो जहाँ प्रेशर मारेंगे ना वहाँ से बिल्कुल एकदम कचरा क्लीन, जो डीपली डस्ट रहता है वो निकल जाता है, जो मड रहता है ना वो, ये देखो ये देखो आपको दिख रहा है, ये जैसे मैंने ये आधा यहाँ पर मार लिया, देखो आधा वाइट हो गया, आधा देखो पूरा मट्टी है, आपको दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। तो मशीन में प्रेशर बहुत अच्छा है, मस्त प्रेशर मारते साथ ही पूरा मट्टी बाहर निकल जाता है, ये देखो पूरा मट्टी आपको दिख रहा है कैसा गिर रहा है। तो दोस्तों फुल कार को हमने अच्छे से पानी मार लिया, और जो भी डीपली जो कीचड़ था हमने वो भी बाहर निकाल लिया, अब हम कार में अभी फोम अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हम इसको फोम करन जो हमारा NR फोम करन यूज़ करेंगे, और शैम्पू भी हमारा यूज़ करेंगे, जब हमारा खुद का है तो भी दूसरे का यूज़ करेंगे, है ना। बाकी आप चाहते कौन सा भी शैम्पू कौन सा भी फोम करन यूज़ कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो, पर क्या इस मामले में कहने कि हमारा भी थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा ना, मतलब जो चीज़ दिखता है बिकता है ऐसा बोलते हैं ना, है ना। तो आप देखो भाई हमारा इसका परफॉर्मेंस देखो कैसा है, 100 ml शैम्पू डालना है, बाकी पूरा फुल पानी भर देना है। बाकी आपको अगर ये मशीन खरीदना है ना, तो देखो मैंने ये डीलर का जो नंबर वगैरह दे रहा हूँ मैं डिस्प्ले में, आप सीधा कॉल लगा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। बाकी अगर आपको शैम्पू खरीदना है तो बाकी आप मेरे बाकी दूसरा वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल इसके बारे में बताऊंगा, आप ऐसे ही डायरेक्टली मत खरीदो हमारा NR का शैम्पू है तो फोम करना, आप और भी इसका रिव्यू वगैरह देख लो फुल वीडियो, और दूसरा और भी वीडियोस बाद में खरीद सकते हो। बाकी डीलर जो नंबर है आपको कार वॉशर का ही मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो ये 100 ml शैम्पू डाल दिया, बाकी का फुल ऐसा पानी भर देंगे इसमें, यस। अब इसको क्या करना है, इसको लगा के थोड़ा सा अच्छे से उसको शेक कर लेना है, ये ऐसा हो गया, और इसके बाद में आगे का जो नोजल है ग्रीन कलर का इसको हम निकाल देंगे, और बाद में यहाँ पर सीधा फोम कैनन कनेक्ट कर देंगे। देखो बिल्कुल एकदम आसान है, कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए एकदम आसान है,
ये देखो ये, तो मैं आपको रिपीटली बोल रहा हूँ, अगर आपको ये मशीन खरीदना है तो मैं यही नंबर दे रहा हूँ, इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी आपको ये फोम कैनन शैम्पू वगैरह नहीं मिलेगा इस नंबर पे, ये कंपनी का है, आपको बिटाली का ही आपको डायरेक्टली मशीन मिल जाएंगे। बाकी आपको ये सब चीज़ें खरीदना तो आप और दूसरा वीडियो भी देखो हमारा जो भी है इसका, और इसका परफॉर्मेंस और दूसरा वीडियो में देखो, उसमें नंबर दिया इसका डिटेल्स ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में कंपनी वालों को सीधा फोन करके इसके बारे में परेशान मत करना उनको, उनके पास हमारा नंबर भी नहीं है। ओहो हो, फोम तो जबरदस्त निकला लेकिन ज़्यादा स्प्रेड हो गया, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते पहले। ये वाओ देखो कैसा काड़ा काड़ा फोम निकला है, मशीन का प्रेशर अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली देखो खाली खाली जो शैम्पू फोम कैरन अच्छा होने से फोम अच्छा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, मशीन का प्रेशर भी अच्छा होना चाहिए फोम कैरन के हिसाब से, है ना। वाओ ये देखो, ओ हो भाई साहब जबरदस्त गाढ़ा गाढ़ा फोम आ रहा है, देखो जरा भाई साहब मशीन एकदम परफेक्ट सेट हो इस फोम कैरन के साथ, जबरदस्त मजा आ गया यार। देखो जरा, आप लोग बोलते हो पता नहीं यार फोम नहीं बनता ऐसा वैसा, पता नहीं आपका मशीन कैसा है या तो आपका शैम्पू कैसा है ये समझ में नहीं आता मुझे। देखो जरा कितना गाढ़ा गाढ़ा फोम बन रहा है, इससे ज़्यादा फोम और क्या किया, देखो मज़ा आ गया यार, पैसा वसूल, ऐसा अगर देखूँ और देखता रहूँ, इतना ज़बरदस्त फोम आया, वाह ओहो बिल्कुल मलाई है एकदम मलाई, इसको बर्फ़ बोलूँ या मलाई बोलूँ क्या बोलूँ मैं इसको बताओ, ओहो मज़ा आ गया। ये मेरा सबसे वीडियो का बेस्ट मोमेंट रहता है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे ऐसा फोम क्रिएट करने में, है ना। ये देखो ये मस्त एकदम एकदम गाढ़ा गाढ़ा फोम, क्या बताऊँ मैं, ये देखो दिख रहा है आपको, वाह ओहो फवारा है बिल्कुल, फोम का फवारा, हाँ ये कुछ नया था, फोम का फवारा, वाह। चलो अभी क्या करेंगे, फटाक से इसको मैं शैम्पू को ऐसा अच्छे से कपड़ा मार लेता हूँ पूरा फुल कार में, है ना, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, मुझे धूप में ना कार के बॉडी में शैम्पू को सूखने को नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा कभी कभी क्या होता है वाटर मार्क्स बहुत डीपली आ जाता है, तो वाटर मार्क्स से पहले हमको अच्छे से फटाफट से कार को पोंछ के बाद में पानी मार देना है, ताकि ताकि कार के जो बॉडी में जो है ना वो वाटर मार्क्स ना बैठे। ऐसे कार बहुत ज़्यादा गंदा था, पता नहीं किसी कोयले खादन से आया था, कोयले जहाँ पर कोरबा वगैरह जहाँ पर कोयले का खादन वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर कार का बॉडी में अजीब सा डस्ट जमा हो जाता है, जो कोयले का डस्ट रहता है पूरा काला काला हो गया था, वाइट कलर का कार बिल्कुल काला हो गया था। चलो फटाफट मार लेते हैं, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या सामने से कैमरा ना ये सर सामने से हमें फेस थोड़ा दिखना चाहिए, हाँ इस एंगल में होना चाहिए, हाँ क्या से क्या हो गए देखते देखते। अरे यार गाना कंप्लीट नहीं हुआ ना डायरेक्शन देने के चक्कर में, मतलब मैं ऐसा ये कर रहा हूँ तो बिल्कुल एकदम पीछे से सीन हो रहा है ना, तो वो हमेशा कंटिन्यू पीछे से सीन सही नहीं रहता ना, कभी कभी सामने से भी सीन होना चाहिए है ना। सॉरी आप लोगों अगर बुरा लगा तो, वीडियो के बीच में थोड़ा बेकार की बातें कर लिया मैंने सीन का, और ये वो सर नॉर्मली मैं ऐसा बातें करता नहीं हूँ, हमेशा मैं अपना काम पे ध्यान देता हूँ, बाकी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो ही रहता है मेरा, क्योंकि मेरा काम पे ध्यान रहता है, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान रहता है, बाकी वीडियो जैसा हो मुझे पता है आप लोग एडजस्ट कर लोगे। देखो कितना ज़्यादा मट्टी निकल रहा है यार, देखो पूरा अजीब सा काला काला मट्टी निकल रहा है, देखने यहाँ पर वैसे घिसूंगा ना तो अजीब सा काला काला, देखो पूरा मट्टी चिपका हुआ है। चलो फटाफट काम करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, जल्दी जल्दी मैं कपड़ा मार लेता हूँ फिर बाद में आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने फुल कार को अच्छे से कपड़ा मार लिया, अभी फटाफट इसको पानी मार लेते, यस ये देखो अलॉय व्हील एकदम चमकने लग गए मस्त, दोस्तों फुल कार को देखो पानी मार के हो गया, अरे कार बिल्कुल एकदम चमक गया, लेकिन क्या है जो वाटर ड्रॉप्स है ना हम उसको जल्दी से साफ कर लेंगे, नहीं तो अगर ये देखो ये अगर बॉडी में अगर ऐसे वाटर ड्रॉप्स सूख गए तो यहाँ पर मार्किंग आने का चांसेस रहता है, जो क्रिस्टल जम के बहुत ज़्यादा इतना मतलब स्ट्रांग बन जाता है कि फिर वो निकलना मुश्किल होता है, रिमूव होना मुश्किल होता है वाटर ड्रॉप्स, बहुत लोगों का परेशानी है, तो
इस वजह से हम क्या करेंगे, पानी बॉडी में सूखने से पहले ही आपको जल्दी से जल्दी उसको पोंछ लेना है ताकि यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स ना बने। ये देखो ऐसा फास्ट ऐसा कर लेना है। चलो एक काम करते हैं, मैं भी फुल कार को ऐसे ही कपड़ा मार लेता हूँ। देखो माइक्रोवेव कूलर जहाँ पर घुमा वहाँ पर पानी बिल्कुल गायब है ना, तो पूरा कार को ऐसे अच्छे से पोंछ लेता हूँ और वीडियो के बाद हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। बाकी आपको अगर मशीन खरीदना है ना, तो मैं देखो मैं डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पर नंबर, तो आप सीधा उनको कॉल करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कैसे खरीदना है, वो सब चीज़ आप पता कर सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी के जो भी चीज़ें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं डिटेल दे दूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।